आजकल 3D फोटोज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो इस ट्रेंड को आपको सीखना है तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, कैपकट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उसकी लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा ड्राइव वाला। आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड ये हो जाएगा, लगभग 70-80 MB का है। भी ऐसा होता है कि आपके नेट से एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा अगर वर्क ना करे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिक्योर VPN नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के फ़ोन में नहीं चलता है एप्लीकेशन। और अगर आपके फ़ोन में बिना PPN के वर्क कर रहा है तो बहुत बढ़िया। तो ये VPN डाउनलोड होने के बाद ये सिंपली ऐसे खुलेगा और इसको आपको सिंपली कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे, जो कि प्लस साइन ऊपर दिया हुआ है। उस पर टैप करने के बाद आपका जो गैलरी है जो वो खुल जाएगा, वीडियोस या फोटोज़। आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। आप जब फ़ोटो पर टैप करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो जैसे ही फ़ोटोज़ आप सिलेक्ट करेंगे तो आप मल्टीपल फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा शुरू में आप एक फ़ोटो सिलेक्ट करके देखें और उसमें 3D इफ़ेक्ट लगा के देखें। तो मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको स्टाइल ऑप्शन चूज़ करना है। स्टाइल ऑप्शन में आप देख सकते हैं 3D जूम वाला ऑप्शन है, तो आप सिंपली उसको टैप करना है। अगर डाउनलोडेड नहीं है तो डाउनलोड कर देना है। 3D इफ़ेक्ट जनरेट होने लगेगा, हल्का सा टाइम लगेगा, 20-30 सेकेंड का ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जैसे ही आपका ये 3D इफ़ेक्ट जनरेट हो जाएगा, आपको उसको चला के देख लेना है कि कैसा है ये। तो मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको बिल्कुल 3D वाला इफ़ेक्ट लग रहा होगा इसमें। अगर आपको इसको क्रॉप करना है तो आप इसको क्रॉप कर लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो क्रॉप इजीली हो जाएगा, आपको सिलेक्ट करके सीधा क्रॉप वाले ऑप्शन पे करना है। ये मैंने क्रॉप कर लिया है। क्रॉप करने के बाद आप देख सकते हैं 3D इफ़ेक्ट कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इस फोटो में थोड़ा बहुत क्रॉप करने की ज़रूरत थी, तभी 3D इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से दिखता है। और आप अपने किसी भी फ़ोटो को 3D फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं कैपकट एप्लीकेशन को यूज़ करके। उम्मीद है आपको 3D फ़ोटो इफ़ेक्ट यूज़ करना आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफाई यू फर्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।